آنکھ بھی جو ہم سب کے ساتھ دھنی نے مہر کری ہے اور ان کا رنگر رسم دے سکتے کچھ بھی کیا ہم دیں گے، لیکن انہیں کا دیا ہوا ان کو کھلا رہے ہیں، بس یہی سمجھیں گے۔ اب تو ہم سب نج کمروں میں، نج باتھ روموں میں، اسپیشل باتھ روم سندر ساتھی دیکھتے ہیں۔
कर पाते, लेकिन हाँ एक बात जरूर दिल पे आती है, जब ये भजन गाने वाले सुंदर साहब बैठते हैं ना, तो सब अपना अपना भाव एक एक भजन पर 15-15 मिनट या आधा आधा घंटा होता, कितना रस से सुंदर साहब को सरा बोल रहे थे। हमारे पास क्या शक्ति, हमें राजी ने ये वाणी दी, उन्होंने हमको अपनी बात शेयर करने का तरीका, जुबा है ये वचन, साधारण बात नहीं है, ये जुबा है दीन को हमारे सद्गुरु महाराज ने, कि कहीं पर भी खड़े हो ना तो इस वाणी का आसरा ले लेना, मेरे वचनों का आसरा ले लेना, दुनिया कटती चली जाएगी। छत्रसाल जी को कहा गया ना ऊपर, कि छत्रसाल के ऊपर तन मन धन कुर्बान, छत्रसाल कौन है, हमारे सरदार हुकुमों में से है, आप प्राणनाथ जी ने उनको हुक्म किया था, जागरूक किया था, तो हमारे सरदार को वही है, उन्होंने कहा मैं उन मोमिनों पे वारी जाऊंगा जो मेरे प्राणनाथ जी के स्वरूप को पहचान करेंगे और उनके चित्र। तो इंद्राज इसी प्रकरण में आगे वो ललिता सखी जी का जो प्रकरण आ रहा है, वारी वारी कब जाया जाता है सत्य, जब कोई हमारे ऊपर पहले आशिक बना करके उन्होंने दिखाया, तब तो हमने कहा ना सब ललिता सखी ने कहा वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम पर, कोई और है ही नहीं किस पर वारी करना, आपके अलावा कोई और दिखा ही नहीं, और हमें आपने अपने अलावा और किसी को दिखाया भी, तो वारी किस पर जाऊंगी, फिर रात दिन आपकी मेहनत देखेंगे, मेहनत कितनी देखेंगी, कैसे थे हम, वो क्या कहती है, टूक टूक कर डालू यादन उम्र पुत्र बिहारी, सुंदर स्वरूप श्याम श्याम फेर फेर जाऊं, कौन मेरे धाम धनी राजेश श्यामा जी युगल स्वरूप में किनके अंदर बैठे हुए, मेरे प्राणनाथ जी के साथ, प्राणनाथ जी के हृदय में बैठे हुए, इनके अंदर मेरे सतगुरु महाराज के अंदर बैठे, और ये दोनों स्वरूप क्या कर रहे हैं, वो मुझको देख रहे हैं, उनकी नजर से ब्राह्मण पर है, सुंदर साहब जी किसी और पर नजर नहीं है, मत चक्र में पड़ो हम आए हैं गए हैं नहीं है, हम तो आए हुए, क्यों, क्योंकि सतगुरु ने संशय मिटा दिया, इसमें अब कोई संशय नहीं है, हम ही उस घर के हैं, कोई कहे या ना कहे, मैं तो कहती हूँ उसको मेरे सतगुरु ने दिया और साहिब दिया बताए, संशय मिटाया सतगुरु साहिब दिया बताए, और सरदार हमेशा एक लाइन कहा करते थे, जिन लिया इत का जिनको सुख है इत का उनको ही सुख उत का, जिनको नहीं सुख इत का इनको उनको सुख उत का भी नहीं, क्या मतलब, जिन्होंने यहाँ बैठे सतगुरु महाराज के साक्षात चरण कमल से इन सुखों को पाया है, आगे क्या कह रही है, इन जहर जिम्मी से कोई न निकला, क्योंकि मुझे माता भी ऐसा मैंने सुना था, मेरी शिकायत है मेरी रूह की आवाज आएगी, भजन गाने वाले को हम नहीं मानते, हम राज्य की बात करने वाले को समय में मानते हैं, मैं भी तो अपने दिल की बात 2 मिनट ज्यादा कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती, मैं इस आश्रम में कोई हम आते आने वाले हैं, उन्होंने हमें पाला है पोसा है बड़ा किया, उनकी उन बगिया में हम फूल ले दिए कि हम प्यारे हैं, नहीं है किसी को हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको हम प्यारे हैं, उन्होंने हमें अपने दिल से प्यार किया, हम उनको नहीं रिटर्न दे पाए, वैलिड है बिल्कुल सही बात है, हम उनको नहीं दे पाए, लेकिन उनका प्यार तो हमें आज भी पहुंचता है, इन जहर जिमी में कोई ना निकसिया, अमल चढ़े आती भारी माया किसके ऊपर नहीं, सुंदर साहब की चढ़ी पूरी पूरी चढ़ी हुई है, लेकिन हमारी उनसे सन्मत है, मैं जीव नहीं कहो कोई जीव हो गए, मेरा तो उनसे आत्म का ही सन्मत है, उन्होंने मुझे इस माया के गहरे मैं जल से खेच के पाड़ निकाला, साधारण बात नहीं है सुंदर साहब, हम किसी को 2 शब्द सुनाते हैं अंधा आता नहीं आता ना सामने की बात, उन्होंने जीवन अपना दे दिया, और आज दिन तक अभी तक वो हमारी संभाल कर रहे हैं, अभी भजन में बोले आप मेरी संभाल कर रहे हैं, और हमको उनके शब्द उनके शुक्राना अदा करने के लिए 15 मिनट मुझे देख तक सैयल मेरी कई जीत के बाजी हारी कारी उम्मत खूब कुचल, कारी कौन है सुंदर साहब जी, ये माया में कोई ललिता सखी जी काले थी, राजा राम जी की बेटी काले थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उन्होंने कहा कारी क्या माया का जल चढ़ा हुआ काला था, धनी का रंग आया ज्वलता आई,
उनका क्या बड़ा कुंभड़ निकला हुआ किधर धर्म की राह राजीव मार्ग पता ही नहीं था। ये तो शत्रु मराठे मार मार के फटकार लगा लगा के हमको सुबह 4 बजे बिठाना और रात को 10 बजे टॉर्चे मार मार के सुलाना। कोई ऐसा भी मेहरबान होता कभी सुना? माँ भी होती है ना एक बच्चे की एक मिनट के बाद नहीं उनसे दर्दन की अंदर छाड़ दिया। लेकिन मेरे धनी संसार से कहीं उनके मिलान में कोई खड़ा ही नहीं होता है भाई। तो उन्होंने क्या किया हमको जो हमारा कुंभड़ निकला हुआ था माया धनी की राह में वो सीधा किया धर्म की राह पे हमको दृढ़ता सिखाई। मेरे सतगुरु महाराज ने हमको ईमान दिया कि धर्म की राह पे खड़े रहना कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा तुम्हारा। याद रखना कि मैं मोमिनों के सिर पर बैठे एक उपाय सदा हमेशा कभी ना कहना हम अकेले। मुझे वो कहते थे कभी ना कहना अकेले प्राणनाथ जी तेरे दिल में रज्जी हमारे दिलों में बैठे मेरे सतगुरु बैठे हैं ना तो मैं कहती मेरे रज्जी बैठे हमें नहीं चाहिए ऊपर। ये सारा परम धाम प्रातः काल आज उठी 4 बजे पीछे से वो मोर बोल रहा है पीहू पीहू कोयल बोल रही है कू कू क्या परम धाम में पशु पंखी आते हैं उनके दर्शन करते मेरे तो परम धाम यही सारा परम धाम यही है। यहाँ किसी का याद थोड़ा करनी पड़ती है ऐसे जाली दरवाजा लगे उठे लगे हुए पता आग बंद करो रत्न पुरी में आ जाइए ऐसे है जाली ऐसे है दरवाजे ऐसे है मंदिर ऐसे है सीढ़ियाँ परम धाम का नक्शा सिखाते हैं ना किसी को तो भाई सीढ़ियाँ अंदर दीवार में कैसे बनी थी रत्न पुरी में देख लेना पन्ना जी में देख लेना पन्ना जी में अंदर बन सब तो यही है सारा कुछ यहाँ जागे का फल इत ही है कोई चेतो चतुर सुजान। तो कहते ऐसी कठिन कठोर नारी हम ऐसे खामड़ू जीव जिनको धनी ने क्या किया आत्म मेरी निर्मल करके सहजे पार उतारी। उन्होंने हमको मन तन जीव आत्म जितनी भी वैरायटीज है सब ले लो अपने अंदर जितनी गुण इंद्रियां सब को ले लो एक प्रेम का धागा दिया फिर बांध दिया उनके लिए क्या मुश्किल। धनी ने एक प्रेम की नजर देखी बंध गया उनके प्रेम फिर कोई और दिखता और सहजे पार ब्रज की गोपियों की तरह से उन्होंने हमको संसार सहजे पार कर दिया। ऐसा नहीं माया दुनिया में देखो जिनको माया की मर जाते हैं उसमें कौन सा सुंदर साथ एक भी बता दे जिसको माया पर दुख है। लेकिन ये धनी का बल है जो हमको उस गहरे माया के जल से निकाल कर वापस अपने चरणों से वो जोड़ देते सुंदर स्वरूप सुभद अति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी। मेरे साहिबी का स्वरूप सतगुरु महाराज का ये आश्रम जो इतना इतना आत्मा को कि राज्य को एक बार तो नहीं कितनी बार पार कर दे राजी आपका श्रृंगार कितना सुंदर है कितना मतलब यहाँ पर इतना नूर भरा हुआ है परम धाम को कहाँ नजर होंगे। ये राज्य का ये सरकार का बाथरूम का जाहिर प्रश्न उनकी साहिबी का स्वरूप कि कितना उनका। तो कहते हैं मेरा सुंदर स्वरूप सुमध अति उत्तम मुझ पर कृपा तुम्हारी उनकी नजर दृष्टि बनी रहे बाकी दुनिया जाए तो जाए तो मेरे धनी हमें अपनी नजर में रखिए उनकी कृपा दृष्टि ऊपर बनी रहे कोट बेर ललिता गुरमानी धनी जी कायम सुख का ललिता सखी हम सब हैं यार। और धनी ने वो जो अर्श का जल का छींटा हमको दिया हुआ ना अपने प्रेम का छींटा तो फिर कभी उड़कर उन्होंने संसार में देखा नहीं बस धनी को देखते ही और उन्हीं के साथ ही पन्ना जी उन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया। हमारी भी राजा महाराज से यही अर्जी है हमें भी ललिता सखी वाला जीवन देना है अधिकरण कि हमको भी सदा सदा आज तो आपके चरणों में बैठे हैं वहाँ पर भी चरणों में बैठे हैं बस ऐसे ही एक दिन प्राण निकल जाए और आपकी याद में और कुछ मांगनी बस इतना ही स्वीकार करें मुझे लगता है मेरे 15 मिनट बोलो।